हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके अपने चैनल रानी अनिल शुक्ला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आयु सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। रात में सब्जी लेकर आए थे, मैंने रात में नहीं निकाली थी, तो अभी निकाल लेती हूँ। सारी सब्जियों को निकालूंगी और धोऊंगी। कुछ भाजियाँ भी हैं लेकिन वो अभी मैं साफ़ नहीं करूँगी, स्कूल से आने के बाद फिर शाम को कर दूँगी, लेकिन अभी निकाल देती हूँ क्योंकि सारी सब्जियों को अभी न लाएँगे। पीने का पानी आता है मतलब, तो उसी टाइम में सारी सब्जियां धो लूँगी। और रात में भी थोड़ा सा लेट हो गया था तो मैंने बर्तन वर्तन नहीं धोए थे, तो वो भी रखे हुए हैं अभी। सिर्फ उठे थोड़ा, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में, तो झाड़ू वाड़ू तो लग गई है। फिर उसके बाद मैं सब्जियां धोऊंगी, पीने का पानी आ जाएगा, तो मैं उसे सारी सब्जियां धोने के बाद पीने का पानी भरूंगी, बर्तन वर्तन धोऊंगी, फिर चाय बनाऊंगी। कितनी अच्छी लग रही है ना सारी कलरफुल सब्जियां। तो इसमें सारी सब्जियां हैं, तो मैं पहले तो सभी सब्जियों को इकट्ठा धो लूँगी और फिर थोड़ी देर के लिए सूखने का लिए रख दूँगी। उसके बाद में इनको मैं फ्रिज में लगाऊँगी। फ्रिज में मैं बाद में जमाती हूँ हमेशा, मतलब पहले सारी सब्जियां धोने के बाद थोड़ी देर धूप में रख दूँगी तो अच्छे से सूख जाएंगी, उसके बाद ही रखूँगी ताकि फिर गले नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा पानी रहता है तो ख़राब भी सब्जियाँ जल्दी हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा सब्जियाँ हैं तो काफ़ी दिन चलेंगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ निकाल ली हैं, तो मैं पहले पानी गर्म करके इनको देकर आ जाती हूँ। मैं तो गर्म पानी पीती नहीं, जब बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है तब मैं अपने लिए कर लेती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं पीती हूँ। और मैं यहाँ पर अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो यहाँ ये तो चाय पीते नहीं, मैं बोलती भी हूँ कि मॉर्निंग में तुम्हारे लिए भी बना लेती हूँ, लेकिन नहीं पी रहे हैं। और यहाँ पर मैंने चाय पी ली, चाय के बाद यहाँ पर पानी आ गया, तो मैं सारी सब्जियाँ धो लूँगी। ये बर्तन वाले डलिया है तो मैं बर्तन बाद में, रात में मैंने बताया ना कि रात में बर्तन नहीं धुल लेते मैंने, तो मैं पहले सारी सब्जियां धोऊंगी। और यहीं पर सारी सब्जियों में मिट्टी, जैसे चुकंदर और ये आलू, आलू में बहुत ज़्यादा मिट्टी रहती है, तो मैं इन सबको अच्छे से धो लूँगी। अभी जितना टाइम धोने में लगा फिर ये सूख जाएंगी, तो उनको साफ़ करने में भी लगेगा। जैसे मटर है, 3 किलो मटर है तो टाइम लग जाएगा। मेथी ऐथी की भाजी भी है, तो ऐसे ही सारी सब्जियां साफ़ करने में टाइम बहुत लगता है। सर्दी में सब्जी तो बहुत आती है लेकिन साफ़ करने में टाइम भी उतना ही लगता है। अभी तो मैंने पालक की इनसे मना कर दिया था कि पालक नहीं लाना है, बस मेथी लाना है, तो मेथी की भी 2 गड्ढी, तो उसको भी साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी तो पहले मैंने सारी सब्जियाँ धो के रख कर आ गई हूँ, बॉटल धो लेती हूँ। बॉटल को मैं रोज़ मतलब अच्छे से ब्रश से साफ़ करती हूँ, लेकिन अभी तो ब्रश से नहीं कर रही, ऐसे ही साबुन से धो लूँगी। और अभी जब तक नल चलते हैं उसी टाइम में सारे काम निपटा लेती हूँ अपने। और ये अभी खाना नहीं बना, ये रात के ही बर्तन है, मतलब मुझसे बर्तन कुछ ज़्यादा ही होते हैं। हमेशा कुछ भी चीज़ में हाथ लगता है तो मैं सारे बर्तन धुलने के लिए रख देती हूँ, ऐसे स्टैंड में नहीं लगाती हूँ क्योंकि व्रत व्रत रहता और मेरी हैबिट में ही आ गई। अगर हाथ भी लग जाएगा, जैसे सब्जी वब्जी भी काटती हूँ, तो मैं सारे बर्तन धुलने के लिए रख देती हूँ। यहाँ मैं बॉटल अच्छे से धुल रही हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि गर्म अभी पानी करने के लिए, तो मैं इसमें मैंने गर्म पानी के लिए केतली निकाली है ताकि उसमें जल्दी से पानी गर्म हो जाए, तो मैं उसको भी धोने के लिए बोल रही हूँ कि अभी निकाल कर लेकर आए, तो पहले उसको पानी से धुल लो, उसके बाद ही उसमें गर्म पानी करना। तो मैं पहले इसको ही धो देती हूँ, उसके बाद बॉटल भरूँगी। ये ऑफिस भी ले जाते हैं और सर्दी में पीते हैं अंश, और ये दोनों गर्म ही पानी पीते, मैं नहीं पीती हूँ, तो मैं अपने लिए पानी कभी भी गर्म करती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है गर्म पानी, इसलिए मैं नहीं पीती हूँ। बाकी गर्म पानी अच्छा रहता है, गर्म पानी पीना चाहिए सर्दी में, इससे सर्दी भी नहीं होती है। साथ में मैंने बर्तन भी धुल गए हैं, तो अब मैं इनका पानी तो नहीं निकला है लेकिन मैं फिर भी बर्तन स्टैंड में लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से सारा प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी। बहुत गैस के पास भी, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं तो पूरे गैस पर पानी पानी के छींटे आ जाते हैं, तो मैं यहाँ से सारा साफ़ करूँगी और गैस को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। अभी मैंने उस दिन किचन की क्लीनिंग की थी तो पूरा गैस खोल के उसके बाद साफ़ किया था। अंदर से जंग लग जाती है पानी में, क्योंकि पास में ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है यहाँ से, तो ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, तो गैस कितना भी संभाल कर काम करो लेकिन उसके बाद भी उस पर पानी तो आ ही जाता है। तो मैं यहाँ से पूरा साफ़ कर लूँगी, उसके बाद कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी ताकि उसमें, क्योंकि जंग लग जाती फिर क्लीन करने में बहुत मेहनत लगती, तो यहाँ से सारा साफ़ करने के बाद पूरा साफ़ कर डाला है, उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और चाय, वैसे मेरा व्रत है लेकिन मैं व्रत में, वैसे तो मैं पीती नहीं हूँ बिना नहाए चाय, लेकिन कब जिस दिन ज़्यादा टाइम होने, जैसे 8-9 बज जाते तो मैं पी लेती हूँ। आजकल सर्दी का टाइम है तो मैंने बताया ना, मुझे चाय पीने की बहुत आदत हो रही है, तो मैंने अपने लिए तो चाय बना के पी ली थी। और यहाँ पर मैं इनके बॉटल भरने के लिए पानी गर्म कर देती हूँ, उसके बाद नहाने के लिए जाऊँगी। ब्रेकफास्ट भी अभी रेडी नहीं हुआ है, थोड़ा सा लेट, अगर लेट हो जाती है उठने में तो सारा टाइम ख़राब हो जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। पूजन भी नहीं कर पाई हूँ, पूजन भी नहीं हो पाई और नाश्ता भी नहीं बना है, तो मैं पहले नाश्ता रेडी करूँगी, क्योंकि मैं भले नहीं खाऊँ लेकिन ये दोनों फिर
इनको नाश्ता तो चाहिए, तो पूजन तो ये नहा कर आ गए तो पूजन कर लेंगे। और मैं तो अब ना पूजन मतलब अगर कोई थोड़ा सा लेट उठने में हो जाए तो कुछ ना कुछ काम तो छूट ही जाता है, लेकिन नाश्ता बनाना नहीं छूटता है। कितना भी काम रहे लेकिन नाश्ता खाना ये घर का काम तो छूट ही नहीं सकता। भले कई बार ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा बिजी रहती हूँ तो पूजन बस कभी मंदिर नहीं जा पाऊँगी, कभी पाठ नहीं कर पाऊँगी। अक्सर ऐसा होता है अगर मैं लेट उठने में हो जाऊँ तो ये काम ज़रूर छूट जाता है। इसलिए मैं टाइम पर ही उठती हूँ, लेकिन रात में लेट मूवी देखने लगे थे तो थोड़ा लेट हो गए, तो उस चक्कर में मैंने किचन भी क्लीनिंग नहीं कर पाई थी और उठी भी लेट थी, तो इस कारण सारा गड़बड़ हो गया। नाश्ते में मैंने ओट्स बना दिए हैं, यहाँ पर साइड में दूध गर्म कर लिया और अपने लिए मखाने तल रही हूँ। तो इसमें मैंने मखान थोड़े सा घी डाला और उसमें ही भून लूँगी, थोड़ा सा सेंक लूँगी। और कढ़ाई में मैंने पापा चले क्या? लो दूध दे ना, क्यों? अरे जरा खा लो गरम। हाँ जरा खा, दूध ले लेना वो पापा को। उसका क्यों मखाने ले जा रहे? हट जा दूध। हाँ चलो रेडी हो गई हूँ मैं और इनके साथ निकल रही हूँ, साथ ही में निकल जाएंगे। स्कूल से आने के बाद मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो अंश बोले कि माँ पॉपकॉर्न खाना है। सुबह बोल रहे थे कि हम बना लेंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि जब मैं आऊँगी उस टाइम में मैं बनाऊँगी। तो यहाँ अंश को अपने से ही करना रहता है, कर तो लेता है लेकिन मैं करने नहीं देती हूँ। यहाँ अरे बंद रहने दो बेटा, मसाला है। देख कर ना, अभी मत डाल, अभी मत डाल। ओह ना, अभी मत डालो। क्यों, पर कब डालेंगे? जब पॉपकॉर्न इसे में रखेंगे। हाँ तो बन गए ना, थोड़े से डाल। दूसरी पैकेट में लिया है, मसाला ही है ना। हटो जल जाएंगे, हटो। रेड ऑयल डाल, पूरा डाल दो सारी जगह कर रहा हूँ। मिक्स, अरे ऐसे नहीं करते, रुक जाओ। इसको उल्टा रख, नहीं ऐसे रख। कितने चाहिए? डालते जाओ आराम से, टीवी देखते खाऊंगा।